हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये थी हमारी सुबह की मॉर्निंग और ये डे 5 है जो कि हमने स्ट्रीट में बनाया अपने के लिए नाश्ता। मतलब हमारा कुछ घर का खाने का मन कर रहा था तो हमने यहाँ पे नाश्ता बनवाया स्ट्रीट में। और ये मैं सुबह सुबह जलेबी लेके आ गई थी क्योंकि मेरा मीठे खाने की क्रेविंग हो गई थी सुबह सुबह, इसलिए पता नहीं क्यों मीठा खाने का मन हो जाता है मुझे कभी कभी। तो ये यहाँ पर बन रही थी हमारी हरी सब्जी रोटी। रोटी तो खैर बनवाई और हरी सब्जी बनाई आदि मैंने दी ने। ये भैया सुबह चाय नहीं पी रहे, 4 बजे उठ के दारू पी रहे। दिन नाश्ता बनने के बाद हम लोग अपना ब्रेकफास्ट सारा लेके आ गए थे रूम पे, जो कि हमने रूम पे सबने एक साथ किया और बहुत ही अच्छा लगा हमें क्योंकि बिल्कुल घर जैसा खाना था। ये और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग हो गए थे नहा धो के तैयार। हमें जाना था दी की फ्रेंड के घर क्योंकि मेघालय में रहती है दी की फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, तो हम लोग उनके घर गए थे। और मेरा हुआ था रूम चेंज भी हुआ था, मेरा रूम हो गया है चेंज, मुझे मिला है। मैं इस बार मैंने नहीं करवाया, इस बार उन्होंने खुद करा चेंज भैया ने, क्योंकि वी वॉन्ट मस्त वाला रूम। सो ये मिस्टर रोहित जी हैं। क्या सिखा रहे हो आप? कपड़े। देन हम लोग चल गए थे विशाल, हमारे रूम के जस्ट बगल में ही विशाल मेगा मार्ट था, तो हम यहाँ पे कुछ देखने चल गए थे। हमने यहाँ पे एक दो कुर्तीज ली बस ऐसी घर पहनने की नॉर्मली, बट यहाँ पे प्राइस काफ़ी सही था देहरादून के अकॉर्डिंग, तो काफ़ी सही था यहाँ पे विशाल में प्राइस। और जो क्वालिटी थी मतलब वो भी काफ़ी अच्छी थी, नए नए प्रोडक्ट्स भी मिले यहाँ पे देखने को। और मार्केट के लिए गए हम तो मार्केट जाते ही दिखी ये चीज़, तो हम बड़ा कंफ्यूज हुए कि मतलब ये क्या बेच रहे हैं। और ये था कपड़े धोने का ब्रश जो कि ये हैंडमेड था। दियो तो ये फोर व्हीलर कितनी कितनी सीटर है? 5 सीटर में 6 बंदे जाते हुए। नहीं मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सोफे में एडजस्ट हो रही हूँ। ये सोफा, ये मैं इसका चलता फिरता सोफा कम बेड हूँ, सोफे में एडजस्ट हो रही हूँ, बड़े ऐसे गुदगुदे गद्दे ऊपर उसके ऊपर। हम पहुंच गए थे दी के घर, मतलब दी की फ्रेंड के घर। मैंने उस टाइम के लिए वो खोला होगा क्या ना, जो 100 रुपए रात का उस टाइम बनानी थी यार वीडियो। दोनों दिन मिल के बना रहे थे मैगी एंड कॉफ़ी, ये दोनों अपनी बात कर रहे थे कॉलेज टाइम की क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद मिले थे लोग, तो ये दोनों एक दूसरे को देख के इतना खुश हो रहे थे, बहुत अच्छा लगा इन दोनों को देख के। आ जाएंगे अब, कुछ मत आना है, कोई मत आना है, अभी भैया आ रहे हैं लेने। क्या मैं कल तक यही होगी, मैं आऊंगा कि किचन में लेने के लिए। भाई कैसे ये बनाई थी मैगी जो कि बहुत ही ज़्यादा यम रही थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब पता नहीं कौन कौन से मसाले मिले इसमें, बट बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी। दिन इतना सारा एंजॉय करने के बाद हो गई थी शाम, हम लोग निकल गए अब घर के लिए। हमने यहाँ पे टैक्सी मंगा दी थी। दिन हम लोग पहुँचे यहाँ पे मार्केट और हमने लेना था दी लोगों के लिए केक क्योंकि जिस टाइम दी लोगों की यूनिवर्सिटी थी उस टाइम लोग ड्यूटी लेते, तो कुछ मतलब हम लोगों ने सेलिब्रेट नहीं किया था, तो हमने दी लोगों के लिए चुपके से केक लिया, उन्हें पता भी नहीं चला। और उनकी राइटिंग लिखने वालों की इतनी प्यारी थी क्योंकि यहाँ पे टैग वगैरह अवेलेबल नहीं थे, तो हमने इनसे केक नहीं लिखाया, पर इतनी प्यारी राइटिंग थी मतलब टैग से भी अच्छा लग रहा था। देन हम लोगों ने यहाँ पर डिनर करा और डिनर करने के बाद मैंने कहा चलो अब सरप्राइज़ दिया जाए इन्हें। मैं डिनर करके मैं और सबसे पहले आ गए थे रूम पर, हम लोगों ने रूम लॉक कर दिया था, मैं रूम खोल नहीं रही थी। देवांती बोल दो। देवांती है क्या? चलो झूठ बोल रहे।
अरे ये नहीं पता मैं फंस गया उसके आग में, मेरे आग में कैसे थे वो, इसलिए बुला रहे थे घंटे से ऊपर। देन ये सब होने के बाद हमने कहा बहुत हो गया भाई, ये अब हुई केक कटिंग यहाँ पे। उसके बाद हम सब लोगों ने एक एक करके यहाँ पे केक खिलाया, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा डांस हुआ और रूम का तो खैर बहुत ही बुरा हाल हो गया था। लास्ट में दी ने करा साफ, हम लोग तो चल गए थे सब अपने अपने रूम पे, बट दी को यहाँ पे बहुत गुस्सा आ गया था लास्ट में, बट आना भी था। इन लोगों ने हरकत ही ऐसी करी, केक पूरा एक दूसरे के मुँह में मार दिया था यहाँ पे। उसकी मेरे वीडियो नहीं है क्योंकि एंड में मैं वीडियो बना नहीं पाई, माहौल ही कुछ ऐसा हो गया था वहाँ पे। देन रूम की हालत इतनी गंदी हो गई थी, उसके बाद लगाना पड़ा, दी ने ही करा यहाँ सारा साफ, और भैया बहुत गुस्सा दिला रहे थे यहाँ पे, बट कोई नहीं, स्टिल होता है कभी कभी। उसके बाद हम चल गए थे अपने रूम में, उसके बाद भैया लेके आए थे ये आइसक्रीम जो कि बहुत टेस्टी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बाय बाय।